राजपूत साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देश के आलोक मेहता जी हैं, लगातार संसद को और पॉलिटिक्स को कवर करते हैं। आलोक जी सच बोलेंगे। आलोक सर, क्या आग लगने के बाद कुआं खोदा जा रहा है, सुरेंद्र राजपूत के इस आरोप से आप सहमत हैं या वक्त रहते सही कदम उठाए जा रहे हैं? क्या वाकई आपको लगता है कि कोरोना के खिलाफ कोई नेशनल प्लान है इस वक्त देश में? देखिए, प्लान के बारे में जो सरकार जितनी बातें बता चुकी है हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। ये कि देर से शुरू हुआ ये मानना हुआ ना, जो प्रायोरिटी पहले तय हो गई हमारे यहाँ जो टेंडर व्यवस्था, ये व्यवस्था चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे दिल्ली हो, जो इलाकों की खबरें मिल रही है उससे लगता है ना कि पहले से कोई जो तैयारी चाहे की भी गई हो, जनवरी में बात की गई, अभी तक कहीं इंतजाम नहीं हो पाए। तो ये जो ब्यूरोक्रेटिक हमारा सेटअप है, ये जो तबाही है, वो आपस का जो कोऑर्डिनेशन है जी, जो राजनीतिक खींचातानी है, उसका असर है, जनता भुगत रही है। ठीक है, सरकारों में पहली बार ऐसा देखा कि तालमेल ना हो, कुछ सरकारें कहेंगी हम बिल्कुल ठीक चल रहा है, कुछ कहती नहीं चल रहा है। इतना पूरे देश में हर पार्टी के सांसद है, विधायक है, नेता है, सरकारें हैं, वो आपस में मीठी बातें करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर केवल राजनीति ज्यादा झगड़ा वाला है। जहां हो सकता है वहां भी देरी हो रही है। कल उत्तर प्रदेश वाला उठाकर टेंडर लेके चला गया, फिर मध्य प्रदेश बाद में पहुंचा। ये जो अराजकता है, ये अफसरों की, इसको कहते हैं कि पुरानी आदत है और आज से नहीं है, ये मतलब 50 साल से यही दिखाई देता है। और संकट काल में भी जो तालमेल होना चाहिए, इसका गंभीर अभाव इसका एक कारण है। बाकी मैं मानता हूँ कि देर से शुरू हुआ, लेकिन ये लोगों में आशा जगानी चाहिए कि 2-4 दिन जितना हुआ है उतने इंतजाम में जो पब्लिक ने किया, कानपुर के फैक्ट्री वाले ने सारा अपना ऑक्सीजन ओपन करके दे दिया, फ्री में दे रहा है। तो ये जो लोग सहयोग कर रहे हैं, लेकिन एक डर पैदा करना, सबको ऑक्सीजन चाहिए, जो घर में बैठा है उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, ये राजनीति इसके पीछे ज्यादा है।